देख लीजिए, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, एक लाइन में बता दिया कि हम लोग अब बता थैंक यू नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, जहां पर तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ वो मिलते नजर आए, जहां विपक्ष का दिल तो मिलता नजर आया लेकिन मुश्किल अभी भी है। छह महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नीतीश कुमार कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने में सफल हो गए। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ साथ जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के साथ वो मिले। दावा किया गया कि अब विपक्षी एकता की शुरुआत हो गई जो नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगा। लेकिन विपक्षी एकता के सबसे अहम सवाल पर ना राहुल गांधी के पास कोई जवाब था और ना ही नीतीश कुमार के पास। अगुवाई के सवाल पर दोनों ने हाथ जोड़ लिए। थैंक यू। तो अपनी बात कहना, एकता का दावा करना, पर जब उम्मीदवारी पर सवाल पूछा गया तो हाथ जोड़ लेना। अब विपक्षी एकता का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार विपक्ष की ओर से अगले चुनाव में अगुवाई कौन करेगा। सीधे तौर पर कहें तो विपक्ष की ओर से 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा कौन बनेगा। सीएम नीतीश ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की, लेकिन जब बात अगुवाई की आई तो सवाल की बारी आते ही नीतीश कुमार कन्नी काट गए। देख लीजिए, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, एक लाइन में बता दिया कि हम लोग अब जब मीडिया ये सवाल पूछ रहा था कि विपक्षी एकता होगी तो नेतृत्व कौन करेगा, तो राहुल गांधी और नीतीश कुमार ऐसे प्रश्नों पर थोड़े सख्त पकाए नजर आए। नीतीश से जब सवाल पूछा गया कि कौन कौन से विपक्षी दल उनके गठबंधन में आएंगे तो इसका भी सही जवाब नहीं मिला। नीतीश ने कहा कि अगली मीटिंग होगी तो देख लीजिएगा कि कितनी पार्टियां आ गई, लेकिन वे सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि विपक्ष का नेता कौन होगा। ऐसे में पीएम फेस पर फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क अभी भी बरकरार है। बिहार की तमाम बड़ी खबरों और छोटी खबरों के लिए भी बने रहिए बिहार तक के साथ।